मुझे इस बात को देख के मुझे एक बात याद आती है, अगर आपको ध्यान हो तो 18 मार्च 1956 को आगरा में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने एक बात कही थी और बड़े दुखी मन से बात कही थी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो बात किन के सिलसिले में कही थी? वो उन लोगों के विषय में कही थी जिनको बाबा साहब ने अपनी मेहनत से विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा और बाबा साहब चाहते थे कि ये लोग वहां से पढ़कर आए और यहाँ मेरी ताकत बने, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज का काम करें। लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, कुछ विदेश में रह गए, कुछ कहीं आगे बढ़ गए, पैसे वाले हो गए, गाड़ियां हो गई, घर हो गए, समाज को भूल गए। तो वही हाल इनका हुआ। मानवर साहब ने साइकिल पे घूम घूम के इतनी यात्रा करके गाँव में जा जा के रात रात भर जाग जा के लोगों को जगाया, मिशन को खड़ा किया, लोगों को ताकतवर बनाया। लेकिन जैसे ही सत्ता उनके हाथ में आई, जैसे ही पैसा उनके हाथ में आई, तो सत्ता और पैसा ही उनके लिए सब कुछ रह गया। जो साहब का मिशन था वो मिशन खत्म हो गया। तो ऐसे ही लोगों ने तो इस देश का, समाज का बेड़ा गर्क किया है। बहुजन समाज को गर्त में ले जाने वाले यही तो लोग हैं। ये लोग समाज के दोषी, ये समाज को समझना पड़ेगा कि उस समय, जिस समय कुछ भी नहीं था, तब बाबा साहब ने इतना सब कुछ किया। आज से बहुत बहुत ही बुरे हालात थे, उस समय बाबा साहब ने इतना सब कुछ किया, और अब से बहुत बुरे हालात थे जब मानवर साहब काशीराम जी ने साइकिल पर घूम घूम कर किया। तो क्या आज जब हमारे पास गाड़ी है, मकान है, पैसा है, तो क्या ये मिशन और स्पीड से नहीं दौड़ना चाहिए था? लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सारे संसाधन होते हुए भी केवल वही लोग जिनके पास हैं वो मौज ले रहे हैं और वो समाज की तरफ नहीं देख रहे, और समाज ठगा से खड़ा है और समाज वहीं का वहीं रह गया। जिस बहुजन समाज को वो चाहते थे कि देश की सत्ता उसके हाथ में हो, वो देश का शासक बने, आज कहीं भी नहीं खड़ा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग दोषी हैं। तो मैं इस मौके पर सिर्फ यही कहूँगा कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें साहब का मिशन समझ के उसके अपने आचरण का अंग बनाकर उसके मिशन को, उस मिशन को पूरा करने का काम हमें करना चाहिए। एक और अधिकतर बोला करते थे, हे मेरे लगुआ समाज के लोगों, अगर आप सत्ता में नहीं आ सकते तो हमेशा आपको लंगड़ी सरकार बनानी होगी। लंगड़ी सरकार बनाने का क्या कथन था? देखिए, उनका लंगड़ी की सरकार बनाने का कथन ये था कि अगर एक सत्ता सरकार पूरी ताकत से बहुमत में आ जाएगी तो एक तरह से निरंकुश हो जाएगी, जो आज आप देख रहे हैं राज्यों में, जहां जहां पे भी इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार, क्योंकि उन्हें पूर्ण बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है, तो वो आज की तारीख में निरंकुश हैं। जैसे योगी सरकार के विषय में आज आप देखें, योगी सरकार एनकाउंटर को बिल्कुल ओपनली कह रही है कि एनकाउंटर, ये सफाई अभियान चलेगा। क्या एक मुख्यमंत्री को, और उस मुख्यमंत्री को जो साधु है, उसे ऐसा कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, उसे सुधार करना चाहिए, एनकाउंटर नहीं। लेकिन सुधार नहीं कर रहे, एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। तो ये निरंकुशता की पहचान है। इसीलिए साहब ने कहा था कि अगर आप अपनी सरकार नहीं बना सकते तो लंगड़ी सरकार बनाएं, क्योंकि अगर लंगड़ी सरकार रहेगी तो कम से कम निरंकुश नहीं होगी और डर कर रहेगी और समाज के लिए काम कर सकेगी, समाज के हित में काम करेगी, नहीं तो उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगी अगर लंगड़ी रहेगी। तो इसीलिए उन्होंने किया सारा सब कुछ, उन्हें जीवन का अनुभव था, वो समझते थे कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, कैसे होगी, कैसे की जा सकती है। और इतनी ब्लंटली बोलने वाले मैं नहीं समझता कि कोई और नेता बहुजन समाज में रहा हो जिन्होंने कहा हो कि मैं बाबा साहब के बच्चों के बगैर इस देश का शासन चलने नहीं दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य कि बाबा साहब के बच्चे उस बात को समझे नहीं, साहब के मिशन को समझे नहीं, और आज सत्ता से बाहर हैं। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग इस मिशन को पूरा करने के लिए अब जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर उठा रहे हैं। हमने एक पार्टी बनाई है 3-4 साल पहले, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, और उस पार्टी के बैनर तले हम साहब के मिशन को पूरा करने का काम कर रहे हैं। केवल यही नहीं, हमने पार्टी के साथ साथ अब तक एक नेशनल बहुजन अलायंस बनाया है, यानी राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन, जिसमें 13 राजनीतिक पार्टियां और 15 सामाजिक संगठनों को हमने शामिल किया है, इकट्ठा किया है। इस जो हमारी पार्टी है, मानवर साहब का जो जन्मदिन है, 84वां जन्मदिन है, वैसे तो कल था, हम लोगों ने मेरठ में मनाया अभी, लेकिन हम अपनी पार्टी के बैनर तले 25 मार्च 2018 को मेरठ के त्यागी ब्राह्मण बोर्डिंग हाउस, यानी त्यागी हॉस्टल, जो पश्चिमी कचहरी रोड पर है, मेरठ कचहरी से 300-400 मीटर की दूरी पर है, उस
त्यागी हॉस्टल के बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें हम ये साहब का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं बहुजन संकल्प दिवस के रूप में। और उसमें हम बहुजन संकल्प दिवस हम इसलिए मना रहे हैं कि साहब का जो मिशन है उसको पूरा करने का हम लोग संकल्प लेंगे और पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से उस मिशन को पूरा करेंगे, क्योंकि साहब का मिशन कहीं छूट गया, लोग भूल गए, इसलिए लोगों को जगाना है और मिशन को पूरा करना है। और सभी से, मेरा सभी लोगों से अपील है कि अगर आप माननीय साहब काशी राम जी को मानते हैं, अगर उनके प्रति जरा भी श्रद्धा है, तो आप आए हमारी 25 तारीख की उस मीटिंग में, साहब के जन्मदिन में आप आए और संकल्प लें हमारे साथ कि कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर माननीय साहब का मिशन पूरा करेंगे।